गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा आठवीं हिंदी द्वितीय में निबंध लेखन यानी राइटिंग सेक्शन में आपको ऐसे राइटिंग करवा रही हूँ। तो निबंध लेखन का मतलब क्या होता है कि अपने को किसी भी विषय पर अपने विचारों को दीर्घ रूप से स्पष्ट करना होता है, मतलब कम से कम भी 200 शब्दों में अपनी बात को पूरी करना होता है। अच्छे निबंध में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। हर बात बड़ी स्पष्ट, सरल और प्रभावी होनी चाहिए, यानी हम जो बात करें वो सीधी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सभी को समझ में आने लायक होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, यानी उसका हम लोगों मतलब जो कोई भी दूसरा लोग सुनता है तो उसको इम्प्रेस होना चाहिए, वो इम्प्रेशन होता है, इसलिए उसको प्रभावी बोलते हैं कि वो प्रभावी है। बात अपने शब्दों में कही गई हो, हर बात के पक्ष में कोई उदाहरण, सुक्ति या उक्ति देनी चाहिए। अगर हम कोई बात ऐसी लिख रहे हैं जो सदियों पुराणों से संबंधित कोई ऐसी बात है तो हम पौराणिक कोई उदाहरण भी दे सकते हैं, कोई दोहा भी लिख सकते हैं। हर अलग बात नए अनुच्छेद में लिखनी चाहिए। अनुच्छेद देखना हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अनुच्छेद आपको पता है कि शॉर्ट रूप में अपनी बात को कहना होता है। जिस निबंध में तो हम विस्तृत रूप में कहते हैं, अनुच्छेद में हम शॉर्ट में कहते हैं। तो जैसे निबंध के अलग अलग पार्ट होते हैं, सर्वप्रथम होती है प्रस्तावना, मतलब किसी भी निबंध के बारे में हमें इंट्रोडक्शन देना होता है। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना, जैसे मान लो मेरे सपनों का भारत, तो ये इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि हमारा भारत कैसा है, क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी होगी, पौराणिक समय में कैसा था, फिर उसके बाद में आपको क्यों पसंद है, फिर उसके बाद में कि यहाँ पर किस तरीके के मतलब वातावरण है, भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, फिर यहाँ के लोगों के भावात्मकता के बारे में वर्णन करना होगा। तो हर एक चीज का वर्णन है हम एक एक अनुच्छेदों के रूप में करेंगे। पूरा निबंध एक कड़ी के समान आपस में जुड़ा होना चाहिए। बात में से बात निकलती चली जानी चाहिए। नीचे कुछ विषयों पर निबंध दिए गए हैं, देखिए हम उनकी चर्चा करते हैं। मेरे सपनों का भारत, सर्वप्रथम तो आप प्रस्तावना बनाएंगे, मैं भारतीय हूँ, मुझे अपने देश पर गर्व है, मेरी इच्छा है कि मेरा देश आज जहां है वहां से आगे ही आगे प्रगति करे, मैं चाहता हूं कि भारत विश्व गुरु बने। जिस प्रकार प्राचीन काल में पूरे विश्व के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे, उसी प्रकार भारत फिर से ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने, यहाँ की संस्कृति, संगीत और अध्यात्म फिर से संसार भर में फूले फले फूले। अब आप लिखोगे मेरे सपने के भाव, मतलब हेडिंग डालोगे मेरे सपने के भाव। मेरा सपना है कि भारत स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा हो, यहाँ प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, हवाएं सुगंधित हो, जल निर्मल और स्वच्छ हो, वन उपवन फूलों और फलों से लदे हो, पूरी धरती स्वच्छ श्यामला हो, गेहूं चावल सब्जी फूल फल की कमी न हो, यहाँ के लोग शाकाहारी हैं, अतः सभी नागरिकों को शाकाहारी भोजन उपलब्ध हो, भारत में विभिन्न संस्कृतियों धर्मों और भाषाओं के लोग आपसी प्रेम और भाईचारे से रहते हैं, मेरा सपना है कि भारत सचमुच ऐसा गुलदस्ता बने जिसमें सभी रंगों सुगंधों और रूपों का समान आदर हो, यहाँ धर्म जाति या भाषा के नाम पर खून की नहीं प्रेम की नदियां बहें, लोग एक साथ नदियों और सरोवरों में स्नान करें, यहाँ मंदिर गुरुद्वारों गिरजाघरों और मस्जिदों का बराबर सम्मान हो, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद बिल्कुल न हो। ये तो था मेरे सपनों के भाव। अब आगे आप हेडिंग डालोगे भारत शांति प्रिय देश है, मैं चाहता हूँ कि भारत में आतंक और शोषण का नामो निशान न हो, मेरी चाह नाम से भी आप इसको टॉपिक को बना सकते हो, आप टॉपिक को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो, है ना। मेरी कामना मेरी चाह है, तो भारतीय शांति प्रिय देश है, भारत एक शांति प्रिय देश है, मैं चाहता हूँ कि भारत में आतंक और शोषण का नामो निशान न हो, या आप इसकी हेडिंग ये भी बना सकते हैं कि आतंकवाद मुक्त भारत, सभी जातियों के लोग मिलजुल कर आतंकवादियों का विरोध करें, देश में बहती सदा प्रेम की गंगा हो, जाति धर्म के नाम पर न कोई दंगा हो, आन बानी या शान का हो कोई मौका, हाथों में लहराता एक तिरंगा। मेरा सपना है कि भारत के लोग अत्यंत संवेदनशील उदार और महान हो, वेदान और बलिदान के आदर्श रखे, भोग और हिंसा के नहीं, ताकि हम पूरे विश्व के सम्मुख गर्व से कह सके, पूरे के विश्व के सम्मुख हम गर्व से क्या बात कह सके,
कि जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। तो ये इस तरीके के आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह भी लर्न करने चाहिए, या फिर अपने आप से आप मन से भी बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी। तो इसमें महात्मा गांधी की प्रस्तावना में आप ये बताएंगे कि हमारी जो भारत भूमि है वह धर्मों और संतों की भूमि है। हमारे देश की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया, उनमें सर्वप्रथम महात्मा गांधी का नाम उच्च श्रेणी में आता है, या प्रमुख लोगों में महात्मा गांधी का नाम आता है। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को ऐसी उपलब्धि हासिल कराई, या ऐसी उपलब्धि दी जो आम लोग नहीं दे सकते। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने उनके बारे में कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास कर सके कि गांधी जैसा हार्ड मास का आदमी सचमुच इस धरती पर अवतरित हुआ था। ये हो गया उनका इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद में आप बताओगे गांधी जी का जन्म, या गांधी जी का परिचय। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लोग प्यार से उन्हें बापू कहते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। बचपन में वे अति साधारण बालक थे, परंतु उनमें एक विशेष गुण था, वे जिस बात को स्वीकार कर लेते थे उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारते थे। उन्होंने नकल करने को पाप समझा तो अध्यापक के नकल कराने पर भी नकल करने से मना कर दिया। ये था उनका परिचय। फिर आप बताएंगे गांधी जी के उसूल, या गांधी जी के आदर्श। उसमें आप लिखेंगे गांधी जी सत्य के पुजारी थे, उन्होंने हर असत्य से लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने देखा कि गोरे लोग रंग भेद के कारण कालों को भयंकर यातनाएं देते हैं, तो उन्होंने अन्यायी गोरों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। लोग अन्याय के विरुद्ध ईंट का जवाब पत्थर से देते आए हैं, परंतु गांधी जी शत्रु की ही हिंसा नहीं, अपने द्वारा की गई हिंसा को भी पाप मानते थे। इसलिए उन्होंने अहिंसा का अस्त्र उठाया। उन्होंने जनता को त्याग और तपस्या के बल पर हड़ताल, घेराव, सत्याग्रह, आमरण अनशन, काम रोको, असहयोग आंदोलन जैसे नए शस्त्र प्रदान किए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाकर उनके सारे उद्योगों पर तालाबंदी करा दी, इससे अंग्रेजों की जड़ें हिल गई। अब लास्ट में आप बताएंगे उपसंहार, यानी अपन ने ये सारी पूरी बात जो पूरा निबंध लिखा है उसका कंक्लूजन, यानी लास्ट में इसका क्या उपसंहार निकला है वो अपन बताएंगे। गांधी जी ने गुलाम भारत को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के कारण 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। गांधी जी ने देश के हिंदू और मुसलमान दोनों का विश्वास जीता था। वे हरिजनों को भी उतने ही प्रिय थे जितने सवर्णों को, सवर्णों यानी अच्छी जाति के लोग। उन्होंने पिछड़ी जातियों के उद्धार के लिए जी जान लगा दिया। वे उनकी बस्ती में जाकर उनके बीच रहे, उनके दुख दर्द को समझा। वे सचमुच महामानव थे। अब दीपावली का निबंध है वो तो बहुत इजी आप छोटी क्लासों से सीखते आए हैं, जन्माष्टमी ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने है मेरे जीवन का लक्ष्य। लक्ष्य यानी आपके जीवन का क्या गोल है, आप क्या बनना चाहते हो। तो सर्वप्रथम देखिए, जिसे लक्ष्य का ज्ञान नहीं, पथ की ही पहचान नहीं, भटक रहा जो बिना दूरी के, उस जीवन का मान नहीं। तो ये अपन 4 पंक्तियां लिख के फिर लिखेंगे प्रस्तावना। लक्ष्य के बिना जीवन कटी पतंग के समान है, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर वे ही भटकते हैं जिन्हें अपनी मंजिल का ज्ञान नहीं होता। मंजिल का पता चलते ही जीवन में रुचि आ जाती है, जीवन का सारा आनंद लक्ष्य की ओर चलने में है। लक्ष्य चुंबक के समान हमें खींचता है और हम खींचे चले जाते हैं। फिर आप बताएंगे परिचय। मैं पुलिस अफसर का पुत्र हूँ, बचपन से ही मेरे पिताजी ने, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे लक्ष्य की चाह कब हुई। मैं पुलिस अफसर का पुत्र हूँ, बचपन से ही मेरे पिताजी से वीरता और साहस के कारनामे सुने हैं। जब वे किसी चोर उचक्के को पकड़कर किसी पीड़ित को राहत दिलाते हैं तो वे मुझे देवता के समान लगते हैं। फिल्म में किसी गुंडे को पकड़कर पीटने वाला पुलिस अफसर मुझे बहुत भाता है। महाभारत में कीचक जैसे राक्षस का वध करने वाले भीम को देखकर मुझे रोमांच हो आता है। तब मुझे लगता है काश मैं भी इन राक्षसों को दो लाते लगाता और दुर्बलों की रक्षा करता।
फिर आप बताएंगे मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य है पुलिस अफसर बनना। ऐसा पुलिस अफसर बनना जैसे कि मेरे पिताजी हैं। वे न तो किसी से रिश्वत लेते हैं और न ही डरते हैं। बुरे लोग अवश्य उनसे डरते हैं। रिश्वत की कमाई न होने के कारण हमारे घर में शान सौकत और सुख सुविधा के सामान नहीं है, परंतु लोग पिताजी का बहुत सम्मान करते हैं। मुझे भी ऐसा सम्मानित पुलिस अधिकारी बनना चाहता हूँ। पुलिस अधिकारी बनने के लिए पढ़ाई के साथ साथ अच्छा शरीर, निडर मन चाहिए। मैं पढ़ाई में हमेशा आगे रहता हूँ, परंतु मैं उन पढ़ाकुओं जैसा नहीं हूँ जिनकी आंखों पर चश्मा और बगल में सदा किताब रहती है। मैं फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ, प्रतिदिन 1 घंटा फुटबॉल खेलता हूँ। मैं सुबह सुबह 1/2 घंटा दौड़ लगाता हूँ, इस कारण मेरा शरीर चुस्त तथा बलिष्ठ है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में देखें, मुझे अपने लक्ष्य की ओर जाने वाली हर राह का ज्ञान है। मैं या आप इसका वो लिख सकते हो, मेरे लक्ष्य के लिए प्रयत्न। मैंने स्काउट्स के रूप में हमेशा अग्रणी स्थान बनाया है। आगे चलकर मैं NCC और NSS का कैडेट बनूंगा। इन संस्थाओं से मिलने वाला हर प्रशिक्षण लूंगा, हर कैंपिंग में जाऊंगा। वहां भी पीछे बैठने वाली भेड़ की तरह नहीं, बल्कि आगे दौड़ने वाले घोड़े के समान रुचिपूर्ण काम करूंगा। मुझे स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी आदि कार्यक्रमों का अभी से अनुभव है। ईश्वर ने चाहा तो मैं अपना लक्ष्य अवश्य पा लूंगा। फिर आप लिखोगे उपसंहार। पुलिस अधिकारी आलसी, पिछड़ा और सुस्त नहीं होता। वह हमेशा मोर्चे पर आगे रहने वाला सबल व्यक्तित्व होता है। उसमें नेतृत्व और स्वयं सेवा के गुण होते हैं। मैं इस राह पर पूरी दृढ़ता से बढ़ रहा हूँ। पुलिस अफसर के गुणों को अपने जीवन में भी भर रहा हूँ। अब मैं डरने या रुकने वाला नहीं हूँ। ये पंक्तियां मुझे बहुत उत्साह देती हैं। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। नेक्स्ट है भारत की राजधानी दिल्ली। इसमें आप दिल्ली के बारे में वर्णन करोगे, क्या क्या वहाँ घूमने से संबंधित स्थल है वो सारों का वर्णन आप करोगे। फिर देखिए विज्ञान का महत्व है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि विज्ञान का किस किस क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है ना। तो अगर कहीं विज्ञान न होता, सुख का सब सामान न होता, सागर में जन यान न होते, नभ में वायु यान न होता। तो ये इसका वर्णन हमें प्रदर्शित किया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। फिर देखिए समाचार पत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए समाचार पत्र मनुष्य से अपना रिश्ता बताते हुए कहता है, मतलब समाचार पत्र मनुष्य से अपना संबंध बताते हुए कहता है, सूचना भंडार हूं मैं, आधुनिक हथियार हूं मैं, आपकी ही हूं कहानी, आपका विस्तार हूं मैं। फिर आप लिखोगे प्रस्तावना। जो काम आज रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट कर रहे हैं, वही काम कभी समाचार पत्र अकेले किया करते थे। वास्तव में रेडियो और दूरदर्शन समाचार पत्र के ही तो उन्नत रूप है। समाचार पत्र बोल नहीं सकते, किंतु रेडियो बोलता भी है। समाचार पत्र में दृश्य कम दिखते हैं, परंतु दूरदर्शन में घटनाएं आंखों के सामने दिखती हैं। नेक्स्ट देखिए समाचार पत्र का मनुष्य जीवन में योगदान। समाचार पत्र मनुष्य जीवन का विस्तार है, वह मानव व्यवहार का दर्पण है। मनुष्य जो करता है वह समाचार पत्र में दिखाई पड़ जाता है। यदि आज के संसार को समझना हो तो आज का समाचार पत्र पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि आज कौन कौन सी घटनाएं घटित रही है, सरकार के सामने कौन सी चिंताएं हैं, समाज के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। नेक्स्ट देखिए समाज को प्रभावित करने वाली अनेक शक्तियां हैं। सरकार है, गुरुजन है, संत महात्मा है, फिल्में हैं, इन्हीं में से एक बड़ी ताकत है समाचार पत्र। समाचार पत्र प्रत्येक घटना को अपने ढंग से देखते हैं। कुछ समाचार पत्र केवल सनसनी फैलाते हैं, कुछ ग्लैमर पैदा करते हैं, परंतु कुछ समाचार पत्र जनता को शिक्षित करते हैं। वे सनसनी फैलाने के बजाय शुभ घटनाओं को बड़े महत्व के साथ छापते हैं। वे निर्माण वाली वस्तुओं को महत्व देते हैं। ऐसे समाचार पत्र ही सच्चे देश निर्माता हैं। बड़े समाचार पत्र यही काम करते हैं। फिर आप लिखोगे समाचार पत्र का मनोरंजन के और ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग। आज का समाचार पत्र विचार, मनोरंजन और लोकवाणी को भी स्थान देते हैं। रोज अनेक विषयों पर विचारपूर्ण लेख छपते हैं। इन्हें पढ़कर
नागरिक विचारवान बनता है। साहित्य मनोरंजन तथा खेल जगत के समाचार लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करते हैं। समाचार पत्रों में छपने वाले अनेक लेख कहानियां कविताएं जनता को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करती है। इस तरह समाचार पत्र लोकवाणी का काम करते हैं। लास्ट में लिखे गया उपसंहार। भारत में लोकतंत्र है, यहाँ लोगों की आवाज का उठना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोगों का तंत्र। समाचार पत्र जनता के हर दुख दर्द को मुख्य पृष्ठ पर छापते हैं। किसी सरकार की गलत नीति हो, किसी कंपनी विद्यालय अस्पताल का घपला हो या इनकी अच्छी योजना हो, समाचार पत्र सबको जनता की जानकारी मिलाते हैं। इस तरह वे जनमत का निर्माण करते हैं। हिटलर जैसा तानाशाह भी समाचार पत्रों की इसी ताकत से डरता था। अब जल संकट के बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए आप प्रदूषण की समस्या। ये देखिए सर्वप्रथम हम चार पंक्तियां लिखेंगे। वसुधा है बीमार साथियों, वसुधा है बीमार। वसुधा यानी धरती। चूसा तुमने इसको इतना, सूख गई है छाती। उमस बढ़ा दी इतनी, मैया सांस नहीं ले पाती। उमस यानी तुम लोगों ने इतनी गर्मी बढ़ा दी कि ये जो मैया है, मैया किसको कहा गया है? भूमि को, वसुधा को, धरती को, कि ये सांस भी नहीं ले पा रही है। गल गल कर हिम शैल बहाते हैं आंसू की धारा। गल गल कर हिम शैल यानी बर्फ की चट्टाने हैं, वो गल गल रही है किसकी वजह से? प्रदूषण की वजह से। और आंसू की धारा बह रही है। विज्ञान ने कुछ मनुष्य को ढेर सारी सुविधाएं दी। यहाँ पर आप प्रस्तावना डाल सकते हो कि विज्ञान ने कुछ मनुष्य को ढेर सारी सुविधाएं दी है तो सबको ढेर सारी समस्याएं भी दी है। आज हमारे भवन स्वच्छ जगमगाते और वातानुकूलित हैं तो हमारा बाहरी पर्यावरण प्रदूषित है या दूषित है। प्रदूषण का जन्म अंधाधुंध वैज्ञानिक प्रगति के कारण हुआ है। मनुष्य ने अपने भवन सुंदर बनाने के लिए वन काटे, थोड़े ईंट बजरी और तारकोल के निर्माण किए, विद्युत ग्रह और ताप घर बनाए, परमाणु भट्टियां बनाई। मनुष्य की इस अंधाधुंध प्रगति का परिणाम यह हुआ कि हमारा समूचा परिवेश जीवन घातक तत्वों से भर गया है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कारखानों का धुआं, विषैली गैसें, रेडियोधर्मी किरणें आदि खतरनाक तत्व घुल गए हैं। महानगरों में स्वच्छ वायु में सांस लेने को आदमी तरस गया है। फिर आप लिखोगे प्रदूषण से होने वाले नुकसान। इस अविवेकपूर्ण औद्योगिकीकरण के कारण विश्व भर का मौसम चक्र बिगड़ गया है। धरती पर गर्मी बढ़ रही है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि यदि इसी प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता रहा तो हिमखंड पिघलेगी, बाढ़ें आएंगी, समुद्र जल में वृद्धि होगी, रहने योग्य भूमि और कम होगी। समुद्र ही नहीं, आकाश में फैली ओजोन गैस की सुरक्षा छतरी में भी छेद हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप धरती का पर्यावरण विषाक्त हो जाएगा। अब इसमें क्या बताए गए हैं, इसके नुकसान बताए गए हैं कि क्या क्या नुकसान होगा प्रदूषण से। फिर आप लिखोगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का खतरा भी हमारे सामने है। उद्योगों, बड़े बड़े उद्योगों के विषैले कचरे से नदियां, नहरें, भूमि दूषित हो रही है। परिणाम स्वरूप हमें प्रदूषित फसलें मिलती हैं, क्योंकि अगर जल गंदा होगा तो वो फसलों में पानी भी गंदा पानी जाएगा और गंदा जल भी मिलता है। प्रदूषित फसलों को कैसा जल मिलता है? गंदा ही जल मिलता है। साथ में आपको ये भी बताना है कि कूड़ा कचरा खाकर जल में रहने वाले जो जीव हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। फिर आप लिखोगे वायु प्रदूषण। वायुमंडल में ध्वनि तरंगों का अधिक शोर मनुष्य को बहरा, तनावग्रस्त, उत्तेजित कर देता है। इसमें आप वायुमंडल, वायु प्रदूषण। तो देखिए आजकल वाहनों, भोंकों, लाउड स्पीकर, फैक्ट्रियों, मनुष्य के सामूहिक शोर से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव, बहरापन आदि बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रदूषण से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है इस समस्या के प्रति सचेत हो जाना। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल दोगे प्रदूषण से मुक्ति के उपाय।
अन्य उपाय हैं आसपास पेड़ लगाना, हरियाली को अधिकाधिक स्थान देना, अनावश्यक शोर को कम करना, वनों की कटाई पर रोक लगाना, फैक्ट्रियों के दूषित जल और धुएं के समाधान का उचित उपाय खोजना। समय आ गया लेप लगाएं, रखें इसका ध्यान, पहनाएं धरती को सुरभित पेड़ों के परिधान, धरा वधूसी मुस्काएं हर फूलों कर फूलों के श्रृंगार। तो इस तरीके से निबंध हमारे खत्म होते हैं। कुछ एक निबंध है उन्हें हमें स्वयं अभ्यास करना है। देखिए देश प्रेम तो वो जो अपन ने लिखा था भारत वाला सपनों के भारत, तो उससे ही थोड़ा सा हम ले सकते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान की उपयोगिता वाला ही हो जाएगा इसमें भी। और उसमें लिख दोगे पहले तो ये स्टार्टिंग में प्रस्तावना लिख दोगे कि विज्ञान का कैसे कैसे आविष्कार हो रहा है, फिर दैनिक जीवन में जैसे क्या क्या यूज है, तो पहले शिक्षा के क्षेत्र में लिखो, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या टेक्निक आई है नई नई वो बताएंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे उद्योगों के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या काम आए हैं, फिर आप बताओगे राजनीति के क्षेत्र में विज्ञान का क्या उपयोग हुआ है, नए नए जो अनुसंधान होते हैं उनसे हमारे देश की प्रगति होती है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस भी तो आप छोटी क्लासों से ही लिखते आ रहे हैं तो लिख सकते हैं। जीवन में कंप्यूटर का महत्व है, इसमें कंप्यूटर में आप प्रस्तावना लिखाओगे कि जब से तुम आए हो कंप्यूटर बदल गए हैं दिन रात। इस तरीके से आप दो तीन पंक्तियां बना के लिख सकते हो। भारतीय मजदूर, मजदूरी, मजदूर से संबंधित अगर कोई आपको कविता आती है तो चार लाइनें उसके लिखते हुए लिख सकते हो। मोबाइल फोन संपत्ति और विपत्ति की तरह सुखद और दुखद होता है, ये हमने पहले किया हुआ है। भारतीय किसान, आदर्श विद्यार्थी, श्रम का महत्व है, समय का सदुपयोग, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब इस तरीके के आते हैं ना विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसमें हमें अपने विचार लिखने होते हैं। तो आप विज्ञान के बारे में प्रस्तावना लिखोगे, फिर आप बताओगे कि ये वरदान है या अभिशाप, उसके बारे में आप चर्चा करोगे। तो आज का जो निबंध वाला पार्ट है वो हमारा यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।